सो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ पिक्सी ओएस के एक नए अपडेट के बारे में जिसे रेडमी 7 के लिए रिलीज किया गया है। और ये अपडेट आपके डिवाइस के लिए काफ़ी स्टेबल है और यहाँ पर काफ़ी सारे बग को फिक्स भी किया गया है और नए नए फीचर्स को भी ऐड किया गया है। और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको इसके पूरी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा और इसका पूरा इंस्टॉलेशन भी बताऊंगा ताकि आप लोग अपने डिवाइस में इसे अच्छे से इंस्टॉल कर पाओ। फिलहाल यहाँ पर इसका जो वर्जन है वो 4.0.11 है, जो कि एकदम लेटेस्ट है। और ये वाला जो वर्जन अभी अभी कुछ ही दिन पहले रिलीज हुआ है, तो मैंने सोचा कि आपके लिए एक वीडियो बना दूँ। और ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप लोग जान पाओ कि कितना स्टेबल है और आप लोग इसके अंदर गेमिंग वगैरह भी कर सकते हो। तो चलो वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चलो अभी कर लेते हैं वीडियो को शुरू। वेल गाइस, अभी मैं आपको बताऊंगा इसके पूरे रिव्यू के बारे में कि आपके डिवाइस के लिए रोम कितना अच्छा है। और अगर आप इसे इंस्टॉल करने की सोच रहे हो तो आप मेरी वीडियो को देखने के बाद ही डिसाइड करना कि आप लोग इसे इंस्टॉल करोगे या फिर नहीं, ठीक है। अभी मैं आपको इसका पूरा इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, पूरा रिव्यू बताऊंगा, ताकि आप लोग अच्छे से इसके बारे में जान पाओ। तो सबसे पहले तो आपको मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पर आपको कंट्रोल पैनल देखने को मिलता है और कंट्रोल पैनल के अंदर आपको उतने ही फीचर्स देखने को मिलेंगे जितने आपके डिवाइस के लिए जरूरी हैं। उसके अलावा कोई भी फालतू का फीचर आपके डिवाइस में ऐड नहीं किया गया है, जो काफी अच्छी बात है। एंड यहाँ पर आप सारे ही फीचर्स का मजा ले सकते हो। और यहाँ पर एम्बिएंट डिस्प्ले का आपको एक ऑप्शन मिलता है, लेकिन ये आपके डिवाइस के अंदर अभी काम का नहीं है, तो यहाँ पर मुझे लगता है इसे फिक्स करना चाहिए। हालांकि काम कर भी सकता है, ऐसा नहीं है कि मैंने इसे सही से यूज किया हो, तो इसके बारे में मुझे इतना अच्छे से नहीं पता है। उसके अलावा बात की जाए आपके डिवाइस के एप्लीकेशंस की, तो गूगल की सारी ही एप्लीकेशंस आपके डिवाइस के अंदर मिलती हैं, क्योंकि ये जीएप एडिशंस हैं। और आप लोगों को यहाँ पर गूगल कैमरा गो भी देखने को मिल जाता है। अभी गूगल कैमरा गो के अंदर काफी फीचर्स को ऐड किया गया है और ये फीचर्स काफी आपके डिवाइस के लिए स्टेबल हैं। और यहाँ पर आपका कैमरा कभी भी क्रैश नहीं होगा, बल्कि आप लोग यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह, पोर्ट्रेट मोड वगैरह सब कुछ यहाँ पर यूज कर पाओगे, और ये काफी अच्छी बात है। और गूगल कैमरा गो जैसा सपोर्ट आपको मिलता है, तो जल्दी आपको इसका पूरा गूगल कैमरा देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर जी एप्स आपको उतनी ही दे रखी है जितनी एक यूजर को चाहिए होती है। चलो अभी बात कर लेते हैं इसकी सेटिंग्स के अंदर कुछ अपडेट्स के बारे में, कुछ फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले तो वाईफाई कनेक्टिविटी से लेकर, नेटवर्क कनेक्टिविटी से लेकर कोई भी आपको फीचर के अंदर बग देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि ये काफी स्टेबल आपके डिवाइस में काम करेगा। एंड उसके अलावा आप लोग यहाँ पर अपने सिम कार्ड को भी यूज कर सकते हो, और सिम कार्ड का यहाँ पर जितना भी प्रॉब्लम्स था वो सारा दूर हो चुका है, क्योंकि ये आपके डिवाइस के लिए एकदम स्टेबल रोम है और ये एकदम ऑफिशियल है। तो ऑफिशियल है और स्टेबल है, तो आपके डिवाइस के अंदर ऐसा कोई भी बग देखने को नहीं मिलेगा। एंड यहाँ पर सबसे मेन बात आती है कि आपका डिवाइस यहाँ पर कास्ट को सपोर्ट कर रहा है या फिर नहीं। तो चलो इसके बारे में मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ कि हमारा डिवाइस कास्ट यहाँ पर वर्किंग है या फिर नहीं। तो सिंपली कास्ट वर्किंग है या फिर नहीं, इसे चेक करने के लिए मैं अपने डिवाइस का YouTube ओपन कर रहा हूँ और YouTube के अंदर कोई भी वीडियोस को चला लूंगा। एंड यहाँ पर आप किसी भी वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ पर सिर्फ चेक करना है कि आपका डिवाइस यहाँ पर कास्ट को सपोर्ट कर रहा है या फिर नहीं। तो यहाँ पर मेरे दो एंड्रॉयड टीवीज आ चुके हैं एंड मैंने इसे पहले सिलेक्ट कर लिया है, और फाइनली गाइस आपका यहाँ पर कास्ट वर्किंग है। और यहाँ पर आप देख सकते हो अपने टीवी को यहीं से कंट्रोल कर सकते हो, जितना आप वॉल्यूम बढ़ाना चाहते हो वो बढ़ा सकते हो, चेंज कर सकते हो वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर आपके डिवाइस में कास्ट का कोई भी इश्यू अभी देखने को नहीं मिलेगा और आप लोग काफी स्मूथली इसे काम कर सकते हो। उसके अलावा बात की जाए आपके डिवाइस की बैटरी बैकअप की, तो आपको पता होगा कि लाइनेज का जो कर्नल है ना वो काफी अच्छा है, और यहाँ पर आपको पिक्सी ओएस का ऑफिशियल कर्नल यूज किया गया है। और यहाँ पर बैटरी बैकअप को लेकर आपको कोई भी इश्यू देखने को नहीं मिलेगा, आप सिंपली अपने डिवाइस को लॉन्ग टाइम तक यूज कर पाओगे। वेल, यहाँ पर बात की जाए डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले के अंदर आपको सेम फीचर्स देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा जो आपके लिए सबसे जरूरी है। जैसे कि आपके डिवाइस के अंदर काफी सारी क्लॉक्स देखने को मिल जाती हैं जो आपको पसंद आता है, आप सिंपली यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। एंड यहाँ पर पिछले वाले अपडेट्स के अंदर ना मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत कम क्लॉक्स थी, लेकिन अभी के जो अपडेट है ना इसके अंदर काफी क्लॉक्स को ऐड कर दिया है। फिलहाल मैं पक्का श्योर नहीं हूँ, लेकिन शायद ये था किसी कस्टम रोम में, था शायद इसी वाले में, चलो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको मिलता है एक नया ऑप्शन, आप अपने आइकन के शेप्स को भी चेंज कर सकते हो। उसके अलावा आप और भी नए नए चेंजेस भी कर सकते हो जो डिस्प्ले के अंदर आती है।
एंड यहाँ पर नाइट लाइट वगैरह सब कुछ यहाँ पर 100% वर्किंग है। लेकिन ये वाला जो फीचर है ना, ये अभी तक मुझे समझ नहीं आया कि अभी तक ये काम करेगा या फिर नहीं। वैसे मैंने काफ़ी कोशिश कर ली है कि मेरे से तो ये यूज़ नहीं हुआ है, लेकिन अगर आपके फ़ोन के अंदर ये यूज़ हो रहा है ना तो काफ़ी अच्छी बात है। ये काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन है, एक अच्छा फीचर भी कह सकते हो आप लोग, कि आपके डिवाइस को अच्छे से मेंटेन करेगा। लेकिन हाँ, बैटरी बैकअप काफ़ी आपका खा जाएगा, तो इसके बेस पर आपको ध्यान रखना होगा। उसके अलावा मैं बात करने वाला हूँ सबसे मनपसंद फीचर्स के बारे में, मतलब कि सिक्योरिटी के बारे में। आपके डिवाइस की सिक्योरिटी जितनी अच्छी होगी ना, उतना आप अपने डिवाइस को प्रोटेक्ट कर पाओगे हैकरों से या फिर किसी से भी। तो आपको यहाँ पर सारी सिक्योरिटीज़ को अच्छे से मैनेज करना होगा। और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि आपको फिंगरप्रिंट से लेकर सारे ही लॉक वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। ऐप लॉकर का इस्तेमाल भी आप कर सकते हो। एंड यहाँ पर सबसे पहले मैं अपने फिंगरप्रिंट को ऐड करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक अपने डिवाइस के अंदर फिंगरप्रिंट को ऐड नहीं किया है। और आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर मैं अपने डिवाइस को लाइव दिखा रहा हूँ आपको, और यहाँ पर फिंगरप्रिंट को लेकर आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, बल्कि आपका जो डिवाइस का फिंगरप्रिंट है ना, वो काफ़ी क्विकली काम करेगा। और आपको ये पता है कि पिक्सल के जो डिवाइसेस के फिंगरप्रिंट होते हैं ना, वो सबसे फास्ट होते हैं, सबसे अच्छे होते हैं। एंड आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। एंड उसके अलावा आपको यहाँ पर फेस अनलॉक का फीचर देखने को मिल जाता है, जो सबको ज़रूरत है, और जो नहीं यूज़ करना चाहते तो उनके लिए ये नहीं है, जो करना चाहते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। एंड उसके अलावा ऐप लॉकर का आपको इस्तेमाल करना होगा अगर आप लोग अपने डिवाइस की एप्लीकेशंस को लॉक लगाना चाहते हो। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि मैंने अपने एप्लीकेशन पर लॉक लगा दिया था एंड आपको दिखा भी दिया है। अभी मुझे बताओ कि आपको ये फीचर कैसा लगा, और अगर आपके डिवाइस के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है इस फीचर्स को लेकर, तो आप मुझे सिंपली कमेंट कर सकते हो। उसके अलावा आपके डिवाइस के अंदर यहाँ पर OTA अपडेट का सपोर्ट देखने को मिलता है, जैसे कि मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया था, ये कस्टम रोम आपके डिवाइस के लिए ऑफिशियल है। तो आप लोग यहाँ पर अपने डिवाइस को OTA अपडेट यूज़ कर सकते हो, और यहाँ पर मैं लेटेस्ट अपडेट ही अपने डिवाइस में यूज़ कर रहा हूँ, जो मार्केट के अंदर फिलहाल ही लॉन्च किया गया है। और मुझे पक्का पता है कि ये फीचर आपको काफ़ी पसंद आएगा, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पर OTA अपडेट का सपोर्ट चाहिए होता है उनको, वो बार बार अपने रोम्स को ऐसे इंस्टॉल नहीं करना चाहते जैसे कि अनऑफिशियल वे से किया जाता। उसके अलावा सेटिंग की लास्ट में आपको अबाउट का ऑप्शन देखने को मिलता है, और अबाउट के अंदर ना आपकी कस्टम रोम के लगभग सारे ही फीचर्स के बारे में या फिर सारी इंफॉर्मेशन के बारे में आप सभी को बता दिया जाता है, कि आप लोग कस्टम रोम का कितना वर्जन यूज कर रहे हो, आपके डिवाइस में एंड्रॉइड वर्जन कौन सा है, आप कौन से कर्नल को यूज कर रहे हो। तो ये सारे फीचर्स कंप्लीट होने के बाद हम चलते हैं अपने डिवाइस के कुछ एडवांस फीचर्स के बारे में, जो आपके डिवाइस को यहाँ पर एक नया लुक देगा और आपके डिवाइस को यूज करने में काफी मजा आएगा। तो चलो इसके बारे में हम जानते हैं। तो पहला फीचर आपको देखने को मिलता है स्टेटस बार के अंदर, जिसके अंदर आप लोग अपने नेटवर्क ट्रैफिक्स को इनेबल कर सकते हो, कि आपकी इंटरनेट की स्पीड कितनी आ रही है उसको मेजरमेंट कर सकते हो। एंड उसके अलावा आपको यहाँ पर देखने को मिलता है कुछ आइकन्स, कुछ स्टेटस बार के कुछ एप्लीकेशंस जो आपको देखने को मिलती हैं, तो यहाँ पर आप सिंपली इसे इनेबल कर सकते हो। और यहाँ पर आपको मिलता है आपकी बैटरी को लेकर कुछ ऑप्शंस, लेकिन ये ऑप्शंस आपके फ़ोन के अंदर काम नहीं करेंगे। वो क्यों? क्योंकि सेम फीचर्स आपको 3-4 बार देखने को मिलेंगे, तो वहाँ पर कोई ना कोई तो एक काम करेगा ही। एंड उसके अलावा आप लोग अपने डिवाइस के जितने भी बैटरी आइकन्स हैं ना, उन्हें चेंज कर सकते हो, जो आपके डिवाइस को काफ़ी अच्छा लुक देगा। और आप लोग यहाँ पर कस्टमाइजेशंस भी कर सकते हो। एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मैं अपने डिवाइस के बैटरी आइकन्स को काफ़ी अच्छे से चेंज कर रहा हूँ, जो आपको पसंद आता है आप सिंपली उसे यूज़ कर सकते हो। एंड यहाँ पर बैटरी परसेंटेज की बात की जाए ना, तो यहाँ पर ये वाला फीचर आपके डिवाइस में काम करेगा। और यहाँ पर मैं आपको इसके कुछ ऐसे ऐसे फीचर्स के बारे में बताऊंगा ना, जो आपको काफ़ी अच्छे लगेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको ऐसे ही फीचर्स देखने को मिले हैं जो आपके डिवाइस के काम के हैं। उसके अलावा कोई भी फालतू का फीचर आपके डिवाइस में ऐड नहीं किया गया है, ताकि आप लोगों को एक सही से स्मूथनेस वाला स्क्रीन मिल सके, एक स्मूथ रोम मिल सके, आप लोग इसे काफ़ी अच्छे से यूज़ कर पाओ। एंड ये सारे फीचर्स को ध्यान में रखते हुए इसे बनाया गया है, और आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आपको कोई भी ऐसा फीचर देखने को नहीं मिलेगा जो आपके काम का ना हो। फिलहाल कुछ ऐसे फीचर्स और भी हैं जो मुझे लगता है कि आप यहाँ पर यूज़ नहीं करोगे, लेकिन जो है वो है, आप यहाँ पर एक एडवांस रीस्टार्ट को भी इनेबल कर सकते हो, जिसका यूज आप लोग अपने डिवाइस के रिकवरी ऑप्शन में या फिर बूट लोडर ऑप्शन में जाने के लिए कर सकते हो। तो ये वाले फीचर्स काफ़ी अच्छे लगते हैं। और देखो, लगभग मैंने आपको इसके सारे फीचर्स के बारे में बता दिया है, और यहाँ पर लगभग उतने ही फीचर्स आपको प्रोवाइड किए गए ना,
जितना आपके डिवाइस को स्मूथ बना सकें, जितना आपको ज़रूरत हो। और मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा फीचर होगा जो आपको यहाँ पर चाहिए होगा, और ये एकदम स्टेबल है, काफ़ी अच्छा इसका परफॉर्मेंस है। तो चलो अभी बात कर लेते हैं कि आप लोग इसे अपने डिवाइस में कैसे इंस्टॉल करोगे। और अगर आपके मन में ये सवाल चल रहा है ना, तो जल्दी से इस वीडियो को कम्प्लीटली देख लो, ताकि आप लोग अच्छे से जान पाओ कि इसे कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। सो फाइनली अभी आपको अपने डिवाइस के रिकवरी ऑप्शन में जाना होगा, और लगभग आपको यहाँ पर सारे स्टेप्स को फॉलो करना होगा। लाइक सबसे पहले आपको अपने डिवाइस को फुल्ली फॉर्मेट करना होगा, जो सबसे ज़रूरी है। तो सिंपली आपको यहाँ पर यस टाइप करना है और फॉर्मेट कर देना है। अभी बैक आना है, आपको यहाँ पर डेलवे कैचे सिस्टम डाटा वेंडर सभी पर क्लिक करना है, और यहाँ पर स्वाइप टू वाइप कर देना है, और आपका डिवाइस यहाँ पर फुल्ली वाइप हो जाएगा। मतलब कि अभी आपके डिवाइस के अंदर कोई भी कस्टम रोम अवेलेबल नहीं है। अभी आपको सिंपली रिबूट पर जाना है, और रिकवरी के अंदर दोबारा से अपने डिवाइस को रिबूट करवाना है। और ये प्रोसेस सबसे मेन है। अगर आप ये प्रोसेस नहीं करोगे, इससे पहले ही अपने डिवाइस में कस्टम रोम इंस्टॉल कर लोगे ना, तो आपका डिवाइस यहाँ पर काफी दिक्कत देगा, और शायद आपका जो कस्टम रोम है वो बूटअप ही ना ले। तो इतना प्रॉब्लम अगर आपको देखने को मिलेगा ही ना, तो इससे पहले आप एक छोटा सा स्टेप कर लो, ताकि आप लोग एक अच्छे से इसे इंस्टॉल कर पाओ। अभी आपने जो फाइल को डाउनलोड किया था डिस्क्रिप्शन से ना, आपको सिंपली इस फाइल को फाइंड करना है, क्लिक करना है और स्वाइप टू फ्लैश कर देना है। ये सारा काम कंप्लीट होने के बाद आपको भी वेट करना है, ताकि हम लोग अपने डिवाइस में अच्छे से रोम को इंस्टॉल कर पाएं। एंड मैं जल्दी से वीडियो को फास्ट कर लेता हूं, ताकि हम लोग अपने टाइम को भी बचा पाएं। सो फाइनली यहाँ पर आकर हमारे सारे स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग अपने डिवाइस में एक अच्छा सा कस्टम रोम ऐसे इंस्टॉल कर सकते हो और इसे यूज़ कर सकते हो। अभी मुझे बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को मिल पा रही है, या फिर कुछ भी आपको देखने को मिलता है ना, तो आप सिंपली मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हो, सारे लिंक आपको मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में।